हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिससे आप मोबाइल फोन, चार्ज, लाइट, पंखा सब बहुत कुछ चला सकते हो। इसका साइज भी देख सकते हो कितना छोटा है और कितना हल्का भी है। तो इतना छोटा बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जिससे आप इतना कुछ चला सकते हो, तो फिर ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज मैं एक इन्वर्टर बनाने जा रहा हूँ जो कि 3.7 वोल्ट का बैटरी से चलेगा। तो 3.7 वोल्ट का बैटरी से 220 वोल्ट 50 वाट्स का इन्वर्टर हम बनाने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कन्वर्टर, वोल्टेज बूस्टर कन्वर्टर, एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड, एक बैटरी और एक बैटरी का चार्जर। तो देख सकते हो ये मेरा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया था। मेरा लाइट भी जल रहा था, 9 वाट का लाइट में जला रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद थोड़ा देर में हमें पता चला कि ये जो बोर्ड है ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लग रहा है और ये उतना ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। फिर से मैं नया प्रोसेस से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्टर बोर्ड है ये क्या करता है, 3.7 वोल्ट का बैटरी से 12 वोल्ट 24 वोल्ट तो कर रहा है, लेकिन इसका पावर तो कम है। इससे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इससे हम 9 वाट से ज़्यादा पावर नहीं ले सकते। फिर मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। तो मेरा पहला जो बोर्ड था ये ख़राब हो गया था, एक्सपेरिमेंट करते करते ये ख़राब हो गया था, तो मुझे नए से स्टार्ट करना पड़ा। तो ये जो बोर्ड है ये 6 एम्पेयर का बूस्टर कन्वर्टर बोर्ड है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये इसका जो मिनिमम वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, ये 10 वोल्ट है। तो 10 वोल्टेज के ऊपर ही देना है, इसके कम वोल्टेज हम इनपुट नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो बैटरी है वो है 3.7 वोल्ट का बैटरी है। तो फिर 3.7 वोल्ट का हम अगर इनपुट करते हैं तो फिर ये वोल्ट काम नहीं करेगा, तो हम इसको इससे हम नहीं बना पाएंगे इन्वर्टर। तो इसीलिए हमने देखा, तो इसके अंदर एक आईसी लगा हुआ है 7810, मतलब 7810 नंबर है आईसी का। मतलब ये जो इनपुट हमारा जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज को पहले ये 10 वोल्टेज उससे 10 वोल्ट कर लेता है, 10 वोल्ट इस आईसी में इनपुट करता है, फिर उसके बाद ये कन्वर्टर काम करता है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम इस आईसी को हटा देते हैं और आईसी के जगह पे, मतलब जो जहाँ पे वोल्टेज को इनपुट करना 10 वोल्ट, उस 10 वोल्ट इनपुट के जगह पे अगर दूसरा पावर 10 वोल्ट इनपुट करते हैं तो फिर क्या ये काम करेगा। तो चलिए इसी ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो देख सकते हो ये जो 7810 जो आईसी है, इसका जो पिन आउट है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा पिन कहाँ पर गया है। तो देख सकते हो ये जो पिन है ये इनपुट पिन है, ये इनपुट प्लस से आया है। मैं मीटर से आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब देख सकते हो ये नंबर 3 नंबर जो पिन है ये इनपुट है, तो ये दोनों शॉर्ट है, बीप आ रहा है, मतलब ये दोनों शॉर्ट है तो भी ये इनपुट प्लस का लाइन है। तो हमको और देखना है ये वाला जो है पॉइंट, ये नेगेटिव है, मतलब माइनस है, कॉमन है, इनपुट और आउटपुट का माइनस सेम है, कॉमन है। और जो नंबर पहला नंबर जो पिन है वो आउटपुट है, आउटपुट 10 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, इस आईसी को निकल के ये जो बोर्ड है, ये जो कम पावर वाला जो बूस्टर बोर्ड है, इस बूस्टर बोर्ड का आउटपुट से हमको 10 वोल्ट करके इस आईसी में देना है। तो 10 वोल्ट जो इनपुट है आईसी का, वो उसका पॉइंट ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर जो 10 वोल्ट का जो इनपुट है हम उस कैपेसिटर में लाइन जोड़ेंगे, और जो आउटपुट जो माइनस है और जो इनपुट माइनस है वो दोनों कॉमन है। तो पहले क्या करना है, इस 7810 आईसी को, 7810 आईसी को निकालना पड़ेगा। इसको खोल देंगे हम,
अब मुझे इस वाला कन्वर्टर का वोल्टेज सेट करना है। इसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले इस बैटरी के साथ जोड़ना है, तो इनपुट देंगे 3.7 वोल्ट। अब इसका आउटपुट में आपका जो मल्टीमीटर है वो देना है, तो हमको करना है 10 वोल्ट, तो हम इसीलिए मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर सेट कर दिया। देख सकते हो पहले जो सेट है वो 18 वोल्टेज का आउटपुट दे रहा था, तो मुझे इसका वोल्टेज कम करना है, इसीलिए मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ। देख सकते हो इसको मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमा कर वोल्टेज को कम कर रहा हूँ। इसको हम सेट करेंगे 10 वोल्ट पे। ये हमने 10 वोल्ट पर सेट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट है इसको हम देंगे उस आईसी में। तो ये हो गया प्लस 10 वोल्ट का इनपुट, और अब देना है माइनस। जो माइनस है वो कॉमन है, इनपुट और आउटपुट माइनस कॉमन था, इसीलिए अगर मैं आउटपुट का माइनस में कनेक्ट नहीं करता तब भी चलेगा, इनपुट एक ही और कनेक्ट करने से चलेगा। देख सकते हो इसका जो इनपुट और आउटपुट का जो माइनस है वो कॉमन है। इसीलिए हमें आउटपुट माइनस कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनपुट माइनस ही इसके साथ कनेक्ट करेंगे, दोनों कॉमन में है इसीलिए। अब मैं इस दोनों कन्वर्टर का इनपुट जो है वो देंगे 3.7 वोल्ट। दोनों कन्वर्टर में ही इनपुट होगा 3.7 वोल्ट, मतलब डायरेक्ट बैटरी से ये इनपुट होगा। अब मैं इस कन्वर्टर का जो पावर सप्लाई है वो एक स्विच का थ्रू इनपुट देंगे, तो जो स्विच का जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। ये एक इंडिकेटर लगाया हमने, स्विच दबाने से ये इंडिकेटर चलेगा, मतलब जब मेरा इन्वर्टर ऑन होगा तब ये लाइट ग्लो करेगा। ये इंडिकेटर का नेगेटिव है, तो इसके साथ कन्वर्टर का इनपुट माइनस भी सेम होगा। जो इनपुट माइनस है वो इस तार में आएगा, मतलब जो इनपुट माइनस है वो बैटरी से इस कन्वर्टर का इनपुट माइनस में आएगा। ये वाला और जो ब्लैक वाला है वो इनपुट माइनस है, और जो रेड वाला है जो स्विच के साथ है वो इनपुट प्लस है। तो मेरा कन्वर्टर का काम हो गया। अब मैं इस बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, मतलब इसका जो पावर जो इनपुट है वो लगाएंगे कन्वर्टर का आउटपुट के साथ। बड़ा कन्वर्टर जो है जो मेन आउटपुट कर रहा है 12 वोल्ट, तो ये जो कन्वर्टर है इसका जो वोल्टेज सेटिंग है मैं पहले से करके रखा था। तो मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब कनेक्शन वगैरह हो गया, इन्वर्टर का कनेक्शन जो है वो हो गया। अब मैं इसको फिट कर लेंगे।
तो दोस्तों ये जो है ये एक पावर बैंक मॉड्यूल है। मैं पावर बैंक मॉड्यूल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैटरी है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी है, पावर बैंक का ही बैटरी है। तो उसको चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक का किट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पावर बैंक का जो चार्जिंग सेक्शन है इसमें 2 एम्पेयर में ये चार्ज करता है इस बैटरी को। अगर मैं 4056 जो चार्जिंग मॉड्यूल जो मिलता है बाज़ार में वो यूज़ करता हूँ, तो वो चार्ज करता है सिर्फ 1 एम्पेयर में। तो चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो बोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसका जो बैटरी है वो 10 एम्पेयर का बैटरी है, मतलब 10,000 mAh का बैटरी है। तो वो छोटा वाला जो चार्जिंग मॉड्यूल है वो इस बैटरी को ठीक से चार्ज नहीं कर सकेगा, इसीलिए मैं इस पावर बैंक का जो सर्किट है इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, इससे मेरा बैटरी का चार्जिंग 20 होगा, जो कितना परसेंटेज चार्ज है वो भी हम देख सकते हैं, और इससे हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं बैटरी को कनेक्ट करेंगे इस पावर बैंक मॉड्यूल के साथ, और ये वाला जो तार मैं अभी सोल्डरिंग कर रहा हूँ ये तार है उस कन्वर्टर सर्किट का, तो यही ये भी जाएगा डायरेक्ट बैटरी में, इसीलिए मैं इसको चार्ज पावर बैंक मॉड्यूल के साथ लगा दे रहा हूँ। तो ये है 10,000 mAh का बैटरी, 3.7 वोल्ट 10,000 mAh पावर बैंक बैटरी, पॉलीमर लिथियम पॉलीमर बैटरी है। तो दोस्तों अब मेरा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको फिट कर लेंगे। तो गाइस मेरा इन्वर्टर पूरा कंप्लीट हो गया, एक इन्वर्टर कम पावर बैंक है। तो अब मैं इसको चेक करेंगे, तो एक बल्ब जलाकर देखेंगे, ये 9 वाट का बल्ब है, इसको मैं जलाकर दिखाएंगे, देख सकते हो ये जल गया। तो चलिए मैं अब आपको मेरा हेडफोन चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्लूटूथ हेडफोन था, ये ख़राब हो गया था, देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, मतलब आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो इससे। देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, और दोस्तों मैं इस इन्वर्टर से मेरा जो घर का जो स्टैंड फैन है वो भी चलाया। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एक शॉर्ट वीडियो का, उस शॉर्ट वीडियो का आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो मेरा पावर बैंक भी काम कर रहा है, पावर बैंक का जो USB पोर्ट है उससे भी मेरा हेडफोन चार्ज हो रहा है। इसको मैं आप चार्ज करके दिखा देता हूँ, इस बैटरी को चार्ज करेंगे। अभी मेरा 75% का चार्ज हो रहा है, मेरा बैटरी में अभी 75% का चार्ज है, देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है, इन ब्लिंकिंग हो रहा है, ध्यान से देखिए, इन मतलब चार्जिंग इन हो रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए
आगे ऐसा ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।